नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे बड़ी अपडेट को लेकर जो कि आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। यदि आपका भी सपना इंडियन नेवी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करने का है तो वो बिल्कुल अब आपका साकार होने वाला है। वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त कीजिए। देखिए साथियों, आपको बता दें कि इंडियन नेवी के द्वारा स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। कैसे करना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, आपको बता दें यहाँ पर जो ग्रुप बी और सी के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसमें सबसे पहले स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी गई हैं। क्या सैलरी मिलने वाली है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो टोटल पोस्ट है वो आपके सामने है। स्टाफ नर्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं एससी एसटी ओबीसी की पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की एक है, जनरल कैटेगरी के लिए दो पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर पोस्ट 3 रखी गई हैं। हालांकि यहाँ पर ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जनरल फाइट कर जाएंगे तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पर रहने वाले हैं। सैलरी फ्रेंड्स आपको 7 पे मिलने वाली है, मतलब आपकी सैलरी 70,000 रुपये यहाँ पर मंथ मिलने वाली है, क्योंकि 44,900 रुपये अपना बेसिक पे होता है, इसी के ऊपर आपको सारा जो है वो मिलता है। चाहे आपको जो एचआरए मिलता है, जो भी अलाउंस मिलते हैं वो सारे इसी के आधार पर मिलते हैं। इसके अलावा जो लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली गई, ड्राइवर के पदों पर भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, अगर कोई हो तो आप बता सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन रखा गया है, इसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है वो क्या यहाँ पर रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, आपने 10+2 की भी हो, इसके अलावा आपने ट्रेनिंग की भी हो नर्स एज ए नर्स, इसके अलावा आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज ए ट्रेन नर्स, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम की भी हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही है जो अपनी होती है। आपकी जो एज है वो 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि एज है वो 45 साल है। इसके अलावा ओबीसी एसटी एससी जो कैंडिडेट हैं उनको और भी छूट मिल जाएगी, तो यहाँ सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें एज कम है या फिर एज ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन तो पता ही है साथियों आपको कि स्टाफ नर्स को क्या काम करना होता है या नर्सिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है। हालांकि एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा नए जो रूल है नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बना दिए गए हैं, जिसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या ड्यूटी अब नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की होने वाली हैं, जो सभी एम्स में लागू होने वाला है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। देखिए, जैसे ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना वो भी देखेंगे। यहाँ पर 1:25 के हिसाब से जो है वो आपको क्वालिफाई जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मान लीजिए अपनी 3 वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, तो 75 जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है, और एग्ज़ाम में जो सिलेबस रहने वाला है वो आपके सामने रहेगा। जनरल जो इंग्लिश है 15 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा जो जनरल एबिलिटी होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप बोलते हैं, 15 क्वेश्चन, या फिर रीजनिंग आप जिसे बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं जीके है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो अपना नर्सिंग फील्ड है उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो यहाँ पर डिटेल जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसका हम हमारे इंस्टाग्राम पर एक अलग से आपको एडिशनल प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप पूरा आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर आपका होने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही में आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने साफ मेंशन किया कि जो भी डेट होगी जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो हैं वो आपके फ्रेंड्स रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट से आने वाले हैं, ऑनलाइन आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके अलावा उसके बाद आपका जो लेटर है वो जारी हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई आपको स्पीड पोस्ट से ही करना है। जो यहाँ पर फॉर्म नीचे दिया गया है उसको आपको फिलअप करना है, या फिर A4 जो पेज होता है उसके आप ऊपर आपको उसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद जो एड्रेस आपको दिया गया है, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड बेलर इस्टेट नियर टाइगर गेट मुंबई, यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। दो फोटो आपको साथ में भेजनी है, सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेज देना है। इसके अलावा 10th 12th मार्कशीट आपकी बीएससी नर्सिंग जीएनएम एमएससी नर्सिंग जो भी है सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी भेज देनी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा। इसके अलावा आपको एक जो सेल्फ एड्रेस जो एनवेलप है वो भी लगाना, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा 45 रुपीज़ का। इसके अलावा अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी बातें आपको बताई जाएंगी।
एक बार आप ये देख लीजिए जो आपके सामने है, जो हम आपको दिखा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए साथियों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, या तो आप इसको प्रिंट करवा लीजिए, अगर आप प्रिंट नहीं करवाते तो आप इसको टाइप करवाइए, ताकि एकदम अच्छी लैंग्वेज में आपको ये भरना है, कैपिटल लेटर में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है, कहीं भी हिंदी का यूज़ आप नहीं कर सकते। अगर इस फॉर्म को भरने में आपको कोई भी जरा सी भी समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आपको बता दें, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।